सिंध में बहुत हालात ख़राब थे एथनिक वायलेंस के हवाले से लेकिन मैं जब हैदराबाद आता था तो अबरार और काजी के घर पना लेता था ही इज़ माई होस्ट फैमिली ऑफ सम थैंक यू अबरार साहब आप आ जाए हैं और भी बहुत सारे फैमिलियर फेसेस हैं जानते हैं सिंध में आ, शुक्रिया के साथ मैं एक छोटी सी शिकायत भी करना चाहता हूँ यह ख़वातीन को आपने कोने में पीछे क्यों बिठाया हुआ है यू फ्रंट में होने चाहिए नेक्स्ट टाइम जी ये टॉपिक आपका जो है रिसोर्स पुअर ऑफ सिंध बिल्कुल सही आपने किया है ऑफ लगा के आपने उसको सही कर दिया अगर आप ऑफ हटा दें तो ये बन जाएगा रिसोर्स पुअर सिंध और सिंध रिसोर्स पुअर नहीं है okay? uh, आप कर रहे हैं नेक्स्ट नहीं नहीं पीछे जाए नेक्स्ट इसके बाद इसके बाद जी बिल्कुल नहीं ये वाला uh, सिंध एक बहुत कदीम सकाफ़त है आ, हर सकावत की मीशत होती है ये मीशत भी बहुत आ, अच्छी रही है हैदारों का जिक्र हम सुनते हैं एक बड़ी एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी एग्रीकल्चर बहुत रिच है आ, ये और बात है कि इस वक्त खस्ता हाल है ज़मीनें ख़राब हो रही है प्रोडक्टिविटी नहीं है लेकिन ये हमने ख़ुद किया है ये कुदरत ने नहीं किया कुदरत ने तो हमें एक बड़ा ज़बरदस्त जरिया दिया है रिवरसिन के हवाले से तो बहुत मिनरल्स हैं गैस है कोयला है सिंध सब गैस को सुई से वापस करते हैं चूँकि वहाँ सबसे पहले सुई में डिस्कवर हुआ था लेकिन सेवेंटी परसेंट गैस सिंध से पैदा होती है इस वक्त भी सिंध इज द गैस प्रोड्यूसिंग प्रोविंस। मिनरल्स हैं बहुत सारे uh, सिंध ओपेक है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के दो बड़े पोर्ट्स हैं वो भी सिंध में है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कमर्शियल सेंटर है ये एक ऐसा सूबा इतने वसाइल के साथ ये ऐसा सूबा होना चाहिए जहाँ कोई गुरबत नहीं है कोई बेरोजगारी नहीं है लेकिन हम देखते हैं कि गुरबत हमारे चारों तरफ है ये हमने इंसान ने गुरबत बनाई है कुदरत ने नहीं कुदरत ने तो बहुत कुछ दिया हमने उसे सही इस्तेमाल नहीं किया और एक नाहमवार माशरा बनाया जिसमें चारों तरफ हमें गुरबत नज़र आती है नेक्स्ट ये कुछ अदादोशुमार है आप देखें अर्बन पॉवर्टी रूरल पॉवर्टी चार शूबे की है सिंध बलूचिस्तान के बाद सिंध सबसे ऊपर है नेक्स्ट ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉवर्टी रेट्स हैं कराची को छोड़ के सबसे बेहतर डिस्ट्रिक्ट जो है वो हैदराबाद है लेकिन यहाँ भी एक तिहाई से ज़्यादा लोग गुरबत के लकीर के नीचे है और ये जो तीसरा कॉलम है यहाँ सिक्सटी परसेंट प्लस गुरबत के लकीर के नीचे है एक और फिनना सिंध में यह है सिंध के जो छोटे शहर है वहाँ देही इलाकों से ज्यादा गुर्बत है और ये इसलिए ऐसा होता है कि गांव में तो जॉइंट फैमिली सिस्टम होती है वहाँ अगर चार भाई साथ हैं एक बेरोजगार हो गया तो उसके घर वालों को खाना तो फिर भी मिलेगा रहने को भी मिलेगा लेकिन शहर में एक न्यूक्लियर फैमिली का फैनोमिना होता है अगर वो ब्रेड अर्नर बेरोजगार हो गया तो गए काम से मारे गए घर का किराया देने को पैसे नहीं है मालिक मकान कहेगा बाहर निकलो तो इसलिए गुर्बत ज़्यादा है नेक्स्ट पिछले सत्तर साल से हुकूमत हर साल एक बजट लाती है डेवलपमेंट बजट होता है डेवलपमेंट स्कीम्स होती हैं और कोशिश है कि गर्बत ख़त्म करें लिटरेसी बढ़ाएं, बच्चों के इनरोलमेंट बढ़ाएं, अमवाद का शरा कम हो औरतों का बच्चों का ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हम सुनते आ रहे हैं आप में जो यंगर लॉट बैठे हैं और मुझे खुशी है कि यहाँ बहुत ज़्यादा इनफैक्ट मेजॉरिटी इज़ यंग यंग पीपल हयर आप जब से आपने पढ़ना शुरू किया सोचना शुरू किया ये सारी चीज़ें आपके सामने है ये ऑब्जेक्टिव है ये सारे भी हम करना चाहते हैं पिछले चालीस साल से एक फिनिना एन जी का शुरू हुआ वो भी मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं अपने कि ये कोई जो भी एक शोभा उठा लिया उसमें थोड़ा काम करने की कोशिश की इन तमाम कोशिशों के बावजूद हम गुरबत नहीं ख़त्म कर पाए जो पहला जो मैंने रिसर्च की थी डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंकिंग की 1982 में सम ऑफ यू आर नॉट बोर्न एट दैट टाइम राइट सो वही रैंकिंग अभी है जो डिस्ट्रिक्ट बॉटम में थे उस वक्त आज भी वही डिस्ट्रिक्ट बॉटम में है इसके बावजूद के वहां से वजीर भी आते हैं वहाँ आर भी काम करते हैं वहाँ और एनजी भी काम करते हैं लेकिन हमने फर्क देखा नहीं है मेरा मकसद यह इल्जाम तराशी नहीं आई एम नॉट ट्राइंग टू ब्लेम आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन वाई दिस इंपॉर्टेंट है कि क्यों ऐसा हुआ है इल्ज़ाम लगाने से तो वो तो सियासतदान करते रहते हैं okay, जो जो गुर्बत की रिसर्च है वो उसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो दो वजह से गुर्बत है। एक वो गुरबत है कि आपके पास रोज़गार कमाने के मौा नहीं हैं या तो तालीम नहीं है तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी या आपके पास असासे नहीं हैं आपके पास अगर थोड़ी सी भी ज़मीन हो तो आप उसमें से कम से कम आपका खाना साल भर का जो है वो तो पैदा कर सकते हैं या कुछ बेच के हासिल कर सकते हैं लेकिन अगर ज़मीन भी नहीं है बेज़मीन है आभारी है अच्छा ज़मीन नहीं है तो आप मवेशी भी नहीं रख सकते क्योंकि मवेशी रखेंगे कहाँ दरख्तों पे तो नहीं रखेंगे मवेशी सो so, दूसरी एक वजह जो है गुरबत की वो अन अवॉइडेबल है यानी पानी साफ नहीं है तो बच्चे बीमार पड़ते हैं उनको आप आपकी जो तनख्वाह पहली तारीख को मिली आपने सोचा इस तनख्वाह से ये 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 करेंगे पता चला दस पंद्रह फीसद तनख्वाह तो दवाइयों में और डॉक्टरों के पास चला गया तो पैसे कम बचे आपके पास ये भी एक रबत की वजह है जिसको हम अनअवॉर्डेबल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं अगर वो न हो उनके या कम हो तो उनके पास वसाइल ज़्यादा होगा ख़र्चा करने के लिए और अपनी चॉइस के एक्सपेंडिचर्स करने के लिए रूरल पॉवर्टी अर्बन पॉवर्टी के फैक्टर्स गलत है अ, अलग, अ, अलग है रूरल पॉवर्टी की वजह लैक ऑफ एसेट्स हैं ज़मीन नहीं है मवेशी नहीं है आप गरीब होंगे शहर में एसेट्स की ज़रूरत नहीं है आप किराए के घर में रह सकते हैं शहर में रोजगार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छा ये सारे कंक्लूजन रिसर्च के जरिए आए हैं ये ऐसा नहीं है कि हमने बैठ के देखा और सोचा देर इज़ बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट हुआ है इस पर इकोनोमेट्रिक एनालिसिस हुई है तो वो वहाँ से ये सारे कंक्लूजनस आए हैं तो अगर आपने गुरबत को टैकल करना है तो पहले तो उसको समझना होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो डायग्नोसटिक्स करता है ना तो ये डायग्नास्टिक्स है कि जो इकदाम रूरल पावर्टी के आपको करने हैं वो मुख्तलफ है अर्बन पावर्टी से और वो एक, एक सेट ऑफ मेजर्स हैं जो आपकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा और एक सेट ऑफ मेजर्स वो है जो आपके वो एक्सपेंडिचर कम करेगा जो गैर जरूरी है जैसे दवाइयों में डॉक्टरों में चला गया क्यों हम नाकाम रहे हैं एक तो ये आपको कोई भी काम करने के लिए विजन चाहिए आप ये तय कर लें खासतौर पे जो यहां यंगर लॉट है अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप तय करते हैं कि आपने बनना क्या है आपने क्या करना है बीस साल के बाद तीस साल के बाद चालीस साल के बाद आपने कहाँ होना है फिर उस तरह से उस हवाले से आप अपनी लाइन चूज़ करते हैं अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप प्री मेडिकल में जाएंगे आपने इंजीनियर बनना है तो प्री साइंस में जाएंगे तो ये विजन बहुत ज़रूरी है माशरे के लिए भी विजन के बाद आप डायरेक्शन सेट करते हैं और डायरेक्शन के बाद जो है प्लान बनाते हैं पॉलिसी बनाते हैं आखिर में एक स्कीम बनती है कि यह स्कीम कहाँ फिट होती है आपके प्लान में पॉलिसी में और आपके विजन में स्कीम यह है कि आपने मैट्रिक के इम्तहान की तैयारी करनी है यह स्कीम है डेवलपमेंट जो है वो एक हम सब जब बच्चे थे आई डोंट नो इफ द गर्ल्स डिड दैट आल्सो बट आई एम क्वाइट श्योर ऑल ऑफ अस डिड दैट गाँव के जो तालाब होते हैं उसमें जाके पत्थर डालते हैं और फिर दायरा बनते हुए देखते हैं ये खेल हम सब करते हैं बच्चे ठीक है डेवलपमेंट इज लाइक दैट एक मेजर गवर्नमेंट ने लिया उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होता है रिपल्स बनते हैं रिपल इफेक्ट आप एक जगह एक कारखाना लगा दिया उसके साथ चाय के और खाने के और गाड़ी के टायर पंक्चर वाले और ये सारे लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं दिस इज द मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इसी तरह अगर गाड़ी का फैक्ट्री लगाएंगे तो वहाँ शॉक ऑब्जॉर्वर की फैक्ट्री भी लगेगी और विंडशील्ड की फैक्ट्री भी लगेगी और टायर की फैक्ट्री भी लगेगी और वगैरह वगैरह सो ये दिस इज हाउ डेवलपमेंट हैपन्स पॉवर्टी रिडक्शन जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है मैक्रो मैक्रो और माइक्रो का फर्क में ये बताऊं कि अगर आप एक फॉरेस्ट को स्टडी कर रहे हैं वो मैक्रो है अगर मखसूस दरख्त को स्टडी कर रहे हैं वो माइक्रो है पॉवर्टी माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल नहीं है पॉवर्टी चंद घराने को किसी तरह से भी मदद देने से गुर्बत खत्म नहीं होगी क्योंकि ये गुरबत पॉलिसी का नतीजा है और पॉलिसी कोई एनजीओ नहीं बना सकती या उसका असर नहीं दे सकती एक वजह एन और आर नाकाम रहे हैं गुर्बत ख़त्म करने में वो ये है कि गुर्बत ख़त्म करना उनके दायरे में आता ही नहीं है ये पॉलिसी एक फैक्टर है लेकिन ये जो एन और आर और ऐसे जो इदारे हैं जिसका आज मैं मेहमान भी हूं ये बहुत इफेक्टिव है माइक्रो लेवल पे काम करने पे। एक गांव में उन्होंने कुछ काम करना है वो बहुत अच्छी तरह कर देते हैं चंद घराने को सपोर्ट करना है वो ये कर देते हैं अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है कोई एसेट्स चालीस घरों को चार सौ घरों को वो तो ये कर देते हैं और वो इफेक्टिव भी होता है काम नजर भी आता है लेकिन ये स्केल अप नहीं कर सकते है। सिटीजन फाउंडेशन की हजार से ज्यादा स्कूल्स हैं लेकिन वो बच्चों के इनरोलमेंट का जो मसला है वो नहीं हल कर पाए क्योंकि वो कर नहीं सकते वो रियासत ने करना है रियासत स्केल अप कर सकती है लेकिन रियासत जो है वो इंडिविजुअल गांव को रीच नहीं कर सकती इंडिविजुअल घराने को रीच नहीं कर सकती जो एनजीओस कर सकते हैं तो एक मॉडल की जरूरत है जहां ये दोनों को हम मिला लें स्टेट काम एनजीओस के साथ एनजीओ काम करें स्टेट के साथ ये एक मॉडल हम लेके चल रहे हैं इस दो हजार पंद्रह से एक सिलसिला चला आ, आर एस पीज को सपोर्ट देने के लिए यूरोपियन यूनियन ने एक प्रोजेक्ट फ्लोट किया सेंट गवर्नमेंट को अप्रोच किया सेंट गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो आप करें लेकिन साथ हमें एक ओवरऑल पॉलिसी भी बना के दें पॉवर्टी रिडक्शन की फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज वो चलते चलते एक टेक्निकल असटेंस टीम बनाई गई जिसका मैं हिस्सा हूँ मेरी कोलीग है शाहिद भी हिस्सा हैं हमारे दो तीन और मेंबर्स हैं लेकिन वो कोविड की वजह से सब अपने अपने शहरों में से काम करते हैं वन मेंबर इज सिटिंग इन न्यूजीलैंड जो हमारी टीम लीडर है दो अक्टूबर में सिंध गवर्नमेंट ने इस पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रैटेजी को अप्रूव किया कैबिनेट ने अप्रूव किया तो ये अब ऑफिशियल सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसको करने के बाद चीफ मिनिस्टर ने कहा पॉलिसी तो बन गई है कोई एक पायलट प्रोजेक्ट करके दिखाओ तो हम पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं सोजावल में सोजावल में एक गांव है या छोटा टाउन कहले चोहर जमाली के नाम से वहाँ हम काम कर रहे हैं पिछले दो साल से अब वो ये साल जो है बहुत सारी चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएगी उस गांव के अंदर अब तक तो उसकी उसका रिसर्च करना उसकी पीसी वन बनाना गवर्नमेंट से फाइनेंसिंग अप्रूव कराना बजट में डालना वो सारा हम करते रहें तो वो मैं आपको आज जो बताने आया हूँ पॉवर्टी रिडक्शन के हवाले से हम जो बात करते हैं कि गुरबत ख़त्म हो सकती है हम गुरबत खत्म कर सकते हैं बेरोजगारी ख़त्म कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में कर सकते हैं पाँच साल के अंदर हंगर ख़त्म हो सकता है भूख खत्म हो सकता है वो आज एक नारा इस्लामाबाद से चला है भूखा कोई न सोई लेकिन उनका तरीका ये है कि सबको किचन खोल लो लोग आके मुफ्त खाना लेके जाए ये ये तरीका नहीं है भूख खत्म करने का भूख खत्म करने का तरीका है कि लोगों को रोजगार दो इज्जत से कमाए और इज्जत से खाए लेकिन ये मुमकिन है दूसरी अनदर पॉसिबिलिटी इन द नेक्स्ट फाइव ईयर्स इज टू हैव एवरी चाइल्ड इन स्कूल ये मुमकिन है ये हो सकता है कोई बच्चा सड़क पे दिन के वक्त नहीं घूमेगा सब स्कूल में होंगे तो कुछ चीजें तो मुमकिन है हम पांच साल में कर सकते हैं कुछ चीजें 20 साल में कर सकते हैं लेकिन गुर्बत खत्म हम कर सकते हैं और बेरोजगारी भी खत्म कर सकते हैं इतने वसाइल इनके पास है ये ये मुमकिन है दो चीजें करनी है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन होना चाहिए मैंने आपको कहा विजन डायरेक्शन प्लान पॉलिसी स्कीम ये इस तरह आता है हमने पिछले तीस सालीस साल में विजन छोड़ दिया हमें पता नहीं हम क्या करना चाह रहे जब विजन नहीं है तो डायरेक्शन नहीं है डायरेक्शन नहीं है तो पॉलिसीज़ बननी शुरू खत्म हो गई प्लानिंग प्रोसेस फाइव प्लान्स बना करते थे वो भी पिछले तीस साल से बनने बंद हो गए सिर्फ स्कीम रह गया वो स्कीम कहां फिट होती है नहीं पता किसी को मैं दो साल यहाँ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का एडवाइजर रहा हूँ सारे पी वन मेरे पास आते थे अप्रूवल के लिए पी वन का जो डॉक्यूमेंट है ये प्लानिंग कमीशन वन जिसके जरिए जो रुपया आप डेवलपमेंट एक रुपया भी खर्च करना चाहते हैं डेवलपमेंट पे उसका पी वन अप्रूव होना जरूरी है उसके बगैर हुकूमत एक रुपया भी खर्च नहीं कर सकती ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है उस पी वन में कई चीजें होती है एक क्लॉज है ये पूछा गया है कि ये स्कीम प्लान में कैसे फिट होती है एवरी स्कीम दो साल में पता नहीं मैंने 2000 स्कीम मेरे टेबल से गुजरी होगी हर स्कीम पे वहां लिखा होता है नॉट एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल का क्या मतलब है आपकी स्कीम तो मैंने ऐसी स्कीम देखी है जिसका कोई सर पैर नहीं है एक स्कीम मेरे पास आई जो दोनों एंड पे किसी और सड़क की स्कीम थी कुछ डेढ़ दो किलोमीटर सड़क की जो दोनों एंड पे कनेक्ट नहीं होती थी किसी और सड़क से मैंने कहा ये कैसा सड़क है जो कहीं नहीं ले जा रही है पता चला कि जी इन दो घरानों में शादी हो रही है और उन्होंने आपस में एक स्कीम डाल दी सड़क बनाने की जब इस तरह पैसे ज़ाये होंगे तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा और गुर्बत भी खत्म नहीं होगी और बेरोजगारी भी खत्म नहीं होगी और ये इस तरह की बहुत स्कीम्स हैं और सिर्फ सिंध में नहीं है पूरे पाकिस्तान का ये हाल है सर तो ये ये बहुत जरूरी है कि आप चूज करें कि कौन से सेक्टर में आपको प्रायोरिटाइज करना है और किन इलाकों में प्राइवेट प्रायोरिटाइज करना है वहां पर बिखर ना दे अपने वसाइल को एक गांव पांच घर के गांव में उस किसी को स्कूल दे दिया किसी को एक डिस्पेंसरी दे दी कहीं एक पानी की स्कीम डाल दी कहीं एक किलोमीटर की सड़क बना दी इस वक्त यही हो रहा है इसकी वजह उससे वजह उसके रिजल्ट में यह है कि आपको डेवलपमेंट कहीं नजर ही नहीं आती स्कूल आपने बना दी टीचर नहीं है छत गिर गई हॉस्पिटल बी आपने बना लिया वहां कोई डॉक्टर नहीं ऑल दो सिंध में बी एच बहुत अच्छे ऑपरेट करते हैं जब से इन्होंने पी को दिया है बहुत बेहतर हो गया है वहाँ निजाम दूसरा वही जो मैंने कहा कि आप पार्टनरशिप क्रिएट करें एन के साथ चूंकि एनजीओज ने एक सोशल कैपिटल डेवलप किया है वो गाँव के सतह पे बहुत सारे काम कर सकते हैं जो रियासत नहीं कर सकती 2010 के फ्लड्स के बाद पूरा राइट बैंक सिंध का वॉश आउट हो गया था बह गया था तो एक मैं, मैं पी एन डी में था हमने 41 वन को रिहाबिलिटेट किए अब वो वहाँ झगड़े शुरू हो गए कि जी ये तो मेरी जमीन थी यहाँ से हम सड़क नहीं निकालने देंगे गांव के अंदर की सड़कों की बात कर रहा हूँ वो जो वहाँ जो आर एस पी थी वहाँ पर सरसों और उन्होंने गांव वालों को बैठा के उनको राज़ी कर लिया कि अच्छा आप ये जगह छोड़ देंगे आपको इसकी जगह ये मिल जाएगा यहाँ सड़क और ड्रेन हमने बनाए मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा वो उसके लिए जगह छोड़े जी ये काम सिर्फ सरसों कर सकती थी कि गांव वालों को बैठा के राज़ी करें कि आप अपना घर जरा घर की जगह छोड़ दें और कहीं और ले लें अगर डिप्टी कमिश्नर को देते हैं तो वो आता वो डिमांड करता लोग मना करते हैं वो लाठी चलाते हैं हंगामा होता तो रियासत बहुत सारे काम नहीं कर सकती जो आवाम के इदारे कर सकते हैं तो ये पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट पीस ग्रोथ सेंटर्स की जो ज़वाब है कि आप हुकूमत अपने वसाइल बिखेर ना दे बल्कि मैं जब था वहाँ गवर्नमेंट में तो खटा सुजावल में एन आर एस पी के कुछ प्रोजेक्ट्स थे मैंने कहा दिखाओ मैं उनके साथ गया उनका भी यही था जी यहाँ हमने ट्यूबवेल लगवाया था फलानी जगह ये किया था मैंने फिर वहाँ पर दायरे बनाए मैंने कहा और दायरे में एक गांव सेलेक्ट किया मैंने उनसे भी कहा कि आप सारी इन्वेस्टमेंट इस गांव में करेंगे और कहीं नहीं करेंगे तो ये वो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने जोर जमाली में इंप्लीमेंट कर रहे हैं नेक्स्ट पीस ये वैसे ही एक एग्जाम्पल है शिकारपुर का एक डे है आ, सुल्तान कोर्ट के पास है स्टार्स जो हैं ये विलेज़ हैं और उसके साथ जो नंबर लगे हैं इसका मतलब इतने घर है आप देखेंगे कि कहीं पाँच घर हैं पंद्रह घर है, है उन्नीस घर है तीस घर है अब जहाँ पंद्रह घर है उसमें आप कैसे स्कूल दे सकते हैं बच्चे ही नहीं है इतने कैसे आप कोई मेडिकल सेंटर दे सकते हैं वहाँ और क्या फैसिलिटी दे सकते हैं ये आप जाया करेंगे और हम जाया करते रहें आप जाएं हर जगह कराची से गडाब जाएं तो नौ स्कूल्स प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग मिलती है नाइन एक ही सड़क पे मेन रोड पे और सब गिरी हुई है तो ये 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 पैसे जाया करने वाली बात है जिस तरह से आपने छोटे छोटे गाँव में हर चीज़ चाहिए हर गाँव को वो चाहिए मैं जब गवर्नमेंट में था एक मेरे पास एक आया ही रिक्वेस्ट पी वन की इस गांव को गैस दे दे मैं चूंकि रिसर्च का बैकग्राउंड था हर चीज पहले थोड़ी मालूम करता था मालूम किया उस गांव में उन्नीस घर है और गैस की मेन लाइन से वो पचपन किलोमीटर दूर है मैंने उसका पर हाउस होल्ड कॉस्ट कैलकुलेट किया मैंने कहा कि ये उन्नीस घर के लिए पचपन किलोमीटर की लाइन तो मैं नहीं डालूंगा लेकिन ये होता रहा है बल्कि वो डली इसलिए कि मैं तो एडवाइजर था वो फिर फाइल चीफ मिनिस्टर के पास गई चीफ मिनिस्टर ने साइन कर दिया वो वो डल गई बाद में वो गांव शिफ्ट हो गया वो चले गए वहां से तो ये, 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 ये सुझाव है इसको हमने यूजिंग जीआईएस टेक्नोलॉजी जो गांव करीब करीब है उसको आइडेंटिफाई किया है हमने सर्कल्स बनाए हैं क्लस्टर्स बनाए हैं और हर क्लस्टर में एक गाँव हम सेलेक्ट करते हैं एज अ ग्रोथ सेंटर यहाँ हमने दो सेलेक्ट किए थे दर्रो और चूहर जमाली चीफ मिनिस्टर ने कहा चूहर जमाली कर नेक्स्ट पीस ये ग्रोथ सेंटर को सेलेक्ट करने के ये छह क्राइटेरिया है सबसे पहले ये कि हाई ग्राउंड होना चाहिए अगले सैलाब में बह बहना जाए फिर ये कि पानी होना चाहिए जहां पानी नहीं होता वहां इंसान इधर भी एक कुर्सी खाली है हाँ पुड़ी हो। पुड़ी हो। चुड़ी, चुड़ी, चुड़ी बड़ी बड़ी हो। होनी चाहिए जिसमें जिस तो 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 का तो फैक्टर आता है बहुत छोटी आबादी इसलिए कि तो रोजगार के मौाक़े नहीं है और बनाना वो चाहिए जहाँ रोजगार के मौाक़े है आप एक बहुत अच्छा अलिशान गांव बना दे शहर बना दे जहाँ रोजगार के मौाक़े नहीं वहाँ कोई नहीं आएगा तो ये ये हमने वो रखे थे नेक्स्ट प्लीज सेक्टर भी हमने कंसोलिडेट करना हर जगह हर सेक्टर में पैसे नहीं डालने हैं नेक्स्ट ये ये जो ग्रोथ सेंटर है उसमें टिपिकली ये फैसिलिटीज होंगी हर जगह ये नहीं होगी क्योंकि शायद मुमकिन ना हो और कुछ जगह पे कुछ और भी हो सकती है जो वहाँ की जरूरत है लेकिन हमने ये बनाया है कि हाउसिंग होगी विथ अम्यूनिटीज चलने की जगह होगी इस वक्त गांव में कीचड़ होता है सब अपने घरों में कीचड़ में चल के जाते हैं कीचड़ में बच्चे खेलते हैं ड्रिंकिंग वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रिंकिंग वाटर क्रिटिकल है डेवलपमेंट के लिए जो फ्लड्स आए थे 2010 के उसमें जो आईडीपी डी पी थे उसमें गवर्नमेंट ने आर ओ प्लांट्स लगाए थे पानी साफ मिलता था तो जब हम जाते थे कैंप्स में तो बच्चे कहते औरतें कहती थी जब से ये मशीन लगी है बच्चे बीमार नहीं हुए तो वो टेक्स्ट बुक में तो हमने पढ़ा था पानी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन एक्चुअली वहाँ खड़े रह के हमें अंदाजा होता था पानी कितना अहम है साफ पानी पीने का तो ये देना है कमर्शल फैसिलिटीज़ आप दे दें वहाँ सारी ताकि स्टोरेज है शेड्स है और सोशल फैसिलिटीज है हाई स्कूल वोकेशनल सेंटर रूरल हेल्थ सेंटर ये सारा आप दे दें एक जगह और आसपास के गांव जो है जो उस क्लस्टर या सर्कल में आते हैं या बाहर से भी वो इस इस ग्रो इस इस ग्रोथ सेंटर से तारी सारी फैसिलिटीज हासिल करें तो आपको पूरा एक फुल फ्लेजेड स्कूल होगा एक कमरे के स्कूल से काम नहीं चलता वो तो सिर्फ खाना पूरी है नेक्स्ट पीस ये चोर जमाली का मैप है हमने गु जी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है अपनी प्लानिंग के अंदर तो उसमें फ़ायदा ये है कि एक जाके पर्टिकुलर बिल्डिंग को भी हम टारगेट कर सकते हैं उस बिल्डिंग का नक्शा भी देख सकते हैं कहाँ पर पानी जमा है वो भी देख सकते हैं वगैरह तो हमने जी आई एस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है नेक्स्ट प्लीज और पाँच एरियाज हमने सेलेक्ट किए हैं काम करने के लिए एजुकेशन हेल्थ टाउन एंड मार्केट इम्प्रूवमेंट क्योंकि जहाँ पर कारोबार करने की जगह अच्छी नहीं होगी वहाँ कारोबार ग्रो नहीं करेगा और जहाँ कारोबार ग्रो नहीं करेगा वहाँ जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएगी अगर आपने और इट इज ओनली जॉब्स विच वॉवर्टी नथिंग एल्स मैं मैंने बी आई एस पी डिजाइन किया है लेकिन जब मैं देता था प्रेजेंटेश देता था तो द प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट में बार बार कहता था कि ये गुरबत खत्म करने की स्कीम नहीं है और मुझे बहुत लड़ना पड़ा इसके नाम के लिए इसका नाम है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है सिर्फ इनकम को सपोर्ट करते हैं सप्लीमेंट करते हैं इनकम को इससे हजार रुपये उस वक्त हजार रुपया देते थे हजार रुपये से आप गुर्बत खत्म नहीं कर सकते तो ये एम्प्लॉयमेंट इज द की टू पॉवर्टी रिडक्शन तो एम्प्लॉयमेंट उस वक्त होगी जब काम करने की जो जगह है मौका है वो बेहतर हो अच्छा अच्छी जगह हो विलेज डेवलपमेंट के अंदर ये चार पांच चीजें हैं हाउसिंग है ड्रेन है वॉकवेज है ड्रिंकिंग वाटर है, है और किचन गार्डनिंग है किचन गार्डनिंग की मुझे तजुर्बा हुआ अफ़गानिस्तान में काम करने का वहाँ सिर्फ आलू होता था गौर सूबा है अफगानिस्तान में एक वहाँ चक्चरन उसका कैपिटल है वहाँ हम होते थे सिर्फ आलू होता था वहाँ जब ये इन्होंने वेजिटेबल्स का एक सर, वो शुरू किया तो आ, कैरेट्स एंड और चीज़ें मूली ये सारी चीजें ग्रो करनी शुरू की तो वहाँ एक खातून ने कहा एक खातून ने कहा अब हमारे दस्तरखान रंगीन है और हमारे बच्चे ज्यादा दौड़ते भागते हैं जाहिर है उनका उनको जो माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं मिल रहे थे उससे उनकी सेहत बेहतर हुई तो हमारे गांव में सबके पास जमीन होती है हर घर में एक छोटा सा पांच बाई पांच यार्ड्स फीट की जगह होती है वो थोड़ी बहुत तो ग्रो कर ही है सकते हैं तो ये किचन गार्डनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ न्यूट्रिशन नेक्स्ट प्लीज अब मैं आपको सारी तस्वीरें दिखाऊंगा बातें मैंने बहुत कर ली ये चोर जमाली का बॉयज हाई स्कूल है वैसे ये अच्छी तस्वीर हमने निकाली है कुछ तस्वीरें हैं जो इससे और भी बुरा हाल है इसका कीचड़ का पानी जमा है इसकी एक तरफ नेक्स्ट ये स्कूल बनेगा यह डिज़ाइन अप्रूव हो गया है पीसी वन भी अप्रूव हो गया है इसका पैसे भी इसके एलोकेट हो चुके हैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन शुरू होना बाकी है ये वही जगह है जो बॉयज स्कूल है साढ़े पांच हजार स्क्वायर यार्ड जमीन है राइट साइड पे बॉयज सेक्शन है लेफ्ट साइड पे गर्ल्स सेक्शन है अच्छा एक चीज मैंने नोट की है हम पूरा सिंध घूमे हैं हर जगह लड़कियों के स्कूल खस्ता हाल है ये कॉमन ट्रेंड है सबसे बुरा हाल बिल्डिंग का ग्राउंड्स का लड़कियों के स्कूल का है कुर्सियां टूटी हुई है ये एक कंसोलिडेटेड स्कूल है जहां लड़के भी है और लड़कियां भी है और जो बीच की बिल्डिंग है वो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं लाइब्रेरी है लेबोरेटरी है कंप्यूटर लैब है, है जो ये दोनों इस्तेमाल करेंगे जहाँ लड़के और लड़कियाँ साथ मिक्स नहीं होना है और हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है तो एक दिन लड़कों के लिए होगा दूसरे दिन लड़कियों के लिए होगा लेकिन लड़कियाँ भी वही फैसिलिटीज एक्सेस करेगी जो लड़के करते हैं अच्छा जब आप ये इस तरह का कैंपस बनाएंगे तो आप स्पेशलिस्ट टीचर्स भी रख सकते हैं इस इसमें 1200 बच्चों की कैपेसिटी है 600 लड़के और 600 सौ लड़कियाँ आप साइंस टीचर अलग रख सकते हैं मैथ टीचर रख सकते हैं साइंस टीचर रख सकते हैं जो एक कमरे का स्कूल है उसमें तो आप स्पेशलिस्ट टीचर रख ही नहीं सकते जहाँ ऑन एवरेज एक क्लास में सात बच्चे हैं उसके लिए आप क्या कौन से स्पेशलिस्ट टीचर्स रखेंगे यहाँ पर रख सकते हैं आप स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकते हैं ताकि बच्चों की एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो बच्चे जो है सिर्फ किताबों से सीख के नहीं पड़े होते उनका खेल उनका यू नो म्यूज़िक और हर चीज़ उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का हिस्सा होता है तो ये जो कंसोलिडेटेड स्कूल्स हैं कैंपस ये एक यहाँ पर बनेगा और ये वो होगा नेक्स्ट चीज़ ये इस वक्त रूरल हेल्थ सेंटर की कुछ तस्वीरें हैं बहुत बुरा हाल है जब हम अपने हॉस्पिटल आर्किटेक्ट्स हॉस्पिटल आर्किटेक्चर एक अलग डिपार्टमेंट है आर्किटेक्चर का वो हमें इस काम करते हुए पता चला तो हम इंडस हॉस्पिटल के साथ हमने रबता किया है वो हमें हेल्प करते हैं इसको डिज़ाइन करने में उनकी जब आर्टिक गई थी वहाँ उसने कहा कि ये इतना बुरा हाल है जो जमीन से सीपेज हो रही है दीवारों में वो जो आपको नजर आता है सीपेज वो फंगस है एंड फंगस इज बैक्टीरिया ये बीमारी फैलाती है तो हॉस्पिटल में लोग आते हैं इलाज के लिए जिसके लिए आए वो तो शायद इलाज हो गया नई बीमारी लेके चले गए सो so, इसको रीडिज़ाइन किया गया है नेक्स्ट मीन दिस इज हाउ द हॉस्पिटल विल लुक लाइक अगेन ये अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होगा ये सारे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स है इसकी डिज़ाइन बन चुकी है इसका एक स्टेप बाकी है पी वन अप्रूव होने का वो भी हो जाएगा नेक्स्ट प्लीज ये मार्केट टाउन है ठीक रेत पड़ी हुई है एक अजीब ग्यारहवीं सदी का आपको नज़र आ रहा है उसके बाद जो तस्वीर आएगी वो पंद्रहवीं सदी की होगी तो नेक्स्ट प्लीज़ ये पूरी सड़क बनेगी इस तरह से साथ जो है वो पेवमेंट होगा कच्चा नहीं होगा और स्लोप्स भी दिए जाएंगे इसलिए कि वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉलीज आती है रूरल टाउन है ये तो जो रूरल टाउन है उसकी इकोनॉमी के हवाले से बनेगा इस पर इस तस्वीर में नहीं है लेकिन स्ट्रीट लाइट्स भी लगेगी नेक्स्ट ये पंद्रहवीं सदी की मार्केट है चोहर जमाली की नेक्स्ट ये मार्केट इस तरह बनाई है ताकि जो बीच में जगह है ट्रकें वगैरह वहां खड़ी हो सड़क के बीच में ना खड़ी हो सड़क ब्लॉक ना करें लोडिंग अनलोडिंग हर दुकान के अंदर हो जाएगी और एक महजब तरीका होगा ये काम करने का नेक्स्ट प्लीज ये वाटर सप्लाई का है हर चीज सड़ चुकी है और ये काम ही नहीं करता बंद है नेक्स्ट फीस ये अगेन यूजिंग जीआईएस टेक्नोलॉजी वाटर सप्लाई और ड्रेनेज का से पूरा बनाया गया है जो ब्लैक लाइंस हैं वो एग्जिस्टिंग पाइप्स है जो ख़त्म हो गई है चढ़ गई है ये रिप्लेस होगी और जो रेड लाइन है ये एक्सपेंशन है इस वक्त ओनली ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ जोहर जमाली इज कनेक्टेड विथ वाटर सप्लाई पाइपलाइन कनेक्टेड कह रहा हूँ पानी आता नहीं है लेकिन कनेक्टेड है अब ये पूरा आगे एक्सपेंड होगा नेक्स्ट प्लीज ये ड्रेनेज का नेटवर्क है ब्लैक लाइंस इज द एग्जिस्टिंग ड्रेनेज नेटवर्क और रेड जो है ये पूरा जो है नया ड्रेनेज नेटवर्क बनेगा क्योंकि पानी इज एन इनपुट जहाँ आप पानी देंगे उसके निकासी का निज़ाम ज़रूरी है हमारे सिंध में जितने भी गांव है बल्कि शहर भी ड्रेनेज का कोई निज़ाम नहीं है कॉन्सेप्ट नहीं है कि पानी ड्रेन भी करना है वो जी कच्ची जमीन है उसमें चला जाता पानी बैठ जाएगा सूख जाए कहीं जमा हो गया तो सूख जाएगा लेकिन जमा सूखने से पहले वो दस हजार मच्छर पैदा करता है और हजार लोगों को मलेरिया देता है ये ड्रेनेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर है अगर मच्छर नहीं होगे मोहल्ले में तो मलेरिया नहीं होगा लोगों को बीमार नहीं होंगे डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा पैसे बचेंगे नेक्स्ट प्लीज अच्छा आपने ग्रोथ सेंटर बनाया एक्सपेक्टिंग के आसपास के सारे गांव उसको एक्सेस करेंगे वो एक्सेस उसी वक्त कर सकते हैं जब सड़क हो आने जाने का रास्ता हो तो चोर जमाली के गिरद सेवनटीन रोड्स अप टू तो थ्री प्लस किलोमीटर्स टोटल ये अपग्रेड होंगे 18 फीट वाइड होंगे और वेल पेव्ड होंगे ताकि लोग आ और जा सके अच्छा सड़क इकोनॉमिक सड़क बहुत इंपॉर्टेंट है जो थट्टा बदीन के जो फिशरीज हैं ये 10 साल पहले जब मैं गवर्नमेंट में था उस वक्त जब उनसे बात करता था वो कहते थे जी कि मछली हम कराची ले जाते हैं सड़क खराब है ट्रक उछलती है तो जो नीचे मछली होती है वो क्रश हो जाती है उसके पैसे नहीं मिलते हमें मैं बलुस्तान में था चमन में वो फार्मर्स कहते थे कि जी हमारी सड़क चूंकि खराब है तो जो ग्रेप्स हैं अंगूर है जो नीचे होती है वो क्रश हो जाती है उसके उनको पैसे नहीं मिलते तो अगर दस हजार रुपये का माल लेके चले तो आठ हजार रुपया लेके वापस आते हैं क्योंकि दो हजार का तो जाया हो गया रोड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गुड रोड्स जिसपे ट्रक उछलेना ये बहुत इम्पोर्टेंट नेक्स्ट प्लीज अब आ जाते हैं विलेज इम्प्रूवमेंट पे ये वही सुजावल के गाँव का घर है मिट्टी से बनाते हैं जब बारिश होती है मिट्टी बह जाती है सारे पानी घर में आ जाता है जब बारिश ख़त्म होती है तो फिर ये मिट्टी लपेट लेते ले, आ, कर कर लेते हैं नेक्स्ट प्लीज ये ऐसे भी घर है अच्छा हवा तेज़ चलती है तो घर उड़ जाता है मैं एक जो फ्लड्स का एक एक मेमोरी मेरे जहन में है जिससे यह है कि अच्छा मैं चूँकि गवर्नमेंट में मिनिस्टर था एडवाइज़र था तो हमारे पास रिलीफ के पैसे थे हम लोगों को गवर्नमेंट मुख्तलिफ तरीके से मैं खुद तो नहीं देता था गवर्नमेंट डी सीज और बाकी जो है उनको देते थे ताकि वो अपने जो चीज़ खो गई है कपड़े बर्तन फर्नीचर चारपाई वो दोबारा खरीद ले ये तो चले हो जाएगा जब लग आएगा जब ये सब कुछ खो बैठे गवर्नमेंट पैसे देगी या फिर बना लेंगे लेकिन कुछ चीजें वापस नहीं आती एक बूढ़े से आदमी था उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मेरा बेटा दो साल पहले चोरी गया था मेरे पास सिर्फ उसकी एक तस्वीर थी वो बह गई वो तस्वीर वापस ला दोगे ब्लड सिर्फ मटेरियल नुकसान नहीं करता लोगों की जिंदगी उलट पलट कर और फ्लड्स में किसी की जिंदगी उलट पलट होने की जरूरत नहीं है ये तो एक कुदरत का निज़ाम है जब से दुनिया बनी है तब से सैलाब आते हैं और तो ये जब आप इंतजाम नहीं करेंगे अपना या पानी के रास्ते में घर बनाएंगे तो तो आपका नुकसान होगा ये प्लानिंग की जरूरत है ये हमने 41 विलेजेस में घर बनाए 2011 में दो फीट का फाउंडेशन है एक फुट ताकि थोड़ा बहुत पानी गांव में आए तो घर के अंदर पानी ना आए फाउंडेशन का मतलब ये कि घर बह नहीं जाएगा सैलाब में और इसकी छत जो है वो कच्ची है और आयरन हर्स और ट्रो एंड सीमेंट के साथ आ, गर्मी के लिए ये बहुत जरूरी है बहुत सारे एनजीओ ने पक्के छत के घर बना के दिए हैं लोग वो घर इस्तेमाल नहीं करते रहने के लिए स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इतने गर्म हो जाते हैं कि वो रहने के काबिल नहीं होते हमने ये बना। अच्छा ये सारा गांव वालों के साथ बैठ के डिस्कस करके बनाया उन्होंने कहा नहीं जी छत हमें पक्की नहीं चाहिए ये दो कमरे हैं पंद्रह बाई पंद्रह के बड़े घर कमरे हैं गाँव में कमरे बड़े चाहिए चूंकि हर गाँव में कमरों में वो वो पेटी रखते हैं इसको जायस पेटी कहते हैं तो दे नीड मोर स्पेस दे कांट डू इट स्मॉल रूम्स इन द जी जी बिल्कुल वेकेंट स्पेस चाहिए एयर चाहिए वो उन्होंने किया उन्होंने उन्होंने घर की डायरेक्शन बदलवाई उसने कहा जी हवा तो यहाँ से आती है तो आप ये इसको यू चेंज करें तो दिस इज वेयर कम्यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्ले रोल इनफैक्ट सरसों ये काम कर सकता था अगर गवर्नमेंट को देते हैं उन्होंने किसी को ठेका देना था कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने आके सौ घर बना के चले जाना था अपनी मर्जी से और लोगों के बहुत सारे हवाले से लोगों के काम ना आता तो ये ये ये, ये जो द मैरिज बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी कम्युनिटी ये उसका नतीजा है नेक्स्ट वी ये ये एक एग्जाम्पल है उस गांव का देखें कितना डिसेंट है सम्हाव घर जो है नेक्स्ट प्लीज ये ड्रेन बने हैं हर घर से पानी जो है ड्रेन में आता है ड्रेन के बाद ये गाँव के बाहर चला जाता है और इस साथ हर ड्रेन के साथ जो है वो वॉकवेज बने हुए हैं नेक्स्ट प्लीज ये गांव है सिंध के गांव सारे ऐसे क्यों नहीं हो सकते ये कहाँ लिखा है किस किताब में लिखा है कि सिंधी जो है वो कीचड़ में रहेंगे जाके गांव के अंदर और बच्चे कीचड़ में खेलेंगे बच्चे कोई बच्चा मुझे गांव में ऐसा नहीं मिला जिसके घर सर के ऊपर वो वो नहीं होते बीमारी नहीं होती होल्स होते हैं बाल निकले हुए होते हैं इसलिए कि वो किचड़ में खेलते हैं मिट्टी में खेलते हैं हर सब का नाक बह रहा होता है वो इस तरह है कि लोगों को पता भी नहीं है कि ये बीमारी है जब पूछा है हमने उनके सेहतमंद है उसने कहा सेहतमंद है मैंने कहा नाक तो बह रहा है तो बच्चा है नाक तो बहेगा मतलब ये नॉर्मल समझा जाता है लेकिन ये बीमारी है जी बिल्कुल न तालीम है ना, ताली ना अवेयरनेस है अगर आ भी गई तो अवेयरनेस तो क्या करेंगे अगर गांव में मिट्टी है तो उन क्या कर सकते हैं उस मिट्टी का गवर्नमेंट वो नहीं कर सकते ना वो रियासत ने करना है ये इस इस स्केल पे काम रियासत करेगी इंडिविजुअल घर जिनको रोज खाने के पैसों की फिक्र है वो अपने गाँव को कैसे ठीक करेंगे वो नहीं कर सकते रियासत को करना है वही जब मैं शुरू में मैंने कहा था ना कि स्केल का इशू है एन अपने दायरे में अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन स्केल अप नहीं कर सकते स्केल अप सिर्फ रियासत कर सकती है नेक्स्ट फीस हर बच्चे के चेहरे पे ये मुस्कुराहट हो सकती है होनी चाहिए शुक्रिया